कि डायपर कौन सी कंपनी का बढ़िया है, कौन से डायपर पहनाना चाहिए, पैंपर्स डायपर पहनाना चाहिए या मम्मी पोको पैंट्स पहनाना चाहिए या हगीज पहनाना चाहिए। दोस्तों आज हम इस कंपनियों की कंपेयर करेंगे, कौन सा डायपर बच्चों के लिए सबसे बेस्ट रहता है और कौन सा, मैं आपको एक्सपीरियंस करके बताऊंगा, खुद का एक्सपीरियंस जो है मैंने जो यूजेज करवाया है उससे क्या है आपको पता चलेगा कि बच्चे के लिए कौन सा ज्यादा सेफ रहता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और आप देख रहे हैं ग्रजेंद्र चैनल। दोस्तों ये आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और दोस्तों शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों वीडियो को। वीडियो लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और नई नई वीडियोस आपको देखने को मिलती है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज हम कंपेयर करके बताते हैं कि आपको कौन सा डायपर सबसे बेस्ट रहता है, इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी क्वालिटियां हैं जिससे बच्चे के लिए सेफ रहता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि मम्मी पोको पैंट्स जो आता है डायपर वो उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटियां होती हैं। आप वीडियो के अंदर देख के खुद बता सकते हैं कि कौन सा डायपर ज्यादा बेस्ट रहेगा। मैं आपको इसकी क्वालिटियां गिनाऊंगा और इसके इफेक्ट्स गिनाऊंगा कि क्या क्या इसकी इफेक्ट्स हैं। दोस्तों इसके अब हम देखते हैं कि ये है मम्मी पोको पैंट्स, आप देख पा रहे होंगे बहुत बड़ा पैक है एंड साइज में दोस्तों दिया गया है ये। दोस्तों इसके अंदर जो क्वालिटी लिखी है एक्स्ट्रा ऑब्जेक्शन लिखा हुआ है, ये दोस्तों क्या है मैं आपको दिखाता हूँ इसकी क्वालिटी जो है, थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी दोस्तों, एंड तक देखिएगा और पूरा कीजिएगा। दोस्तों ये है इसका मम्मी पोको पैंट्स का डायपर। अब दोस्तों ये क्या है रहता है इसके अंदर आगे से ये फॉर्म में आता है और पीछे से कुछ इस तरह का है। दोस्तों अब क्या है, अब अंदर से हम देखते हैं तो अंदर से ये जो है इसकी ये इलास्टिक दी हुई है बच्चों के लिए, सॉफ्टेबल इलास्टिक है और इसका ये जो है यहाँ इस साइड में फ्रंट लिखा हुआ है, आगे का वाला हिस्सा है और इस साइड में बैक लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ एल साइज लिखा हुआ है कि साइज आपका कौन सा है। तो दोस्तों अब हम इसे उल्टा करके देखते हैं तो उल्टा करने के बाद दोस्तों क्या रहता है, ये वाला हिस्सा ये आपकी इलास्टिक है जो बच्चों की थाइस के अंदर आती है, थाइस पे आती है। दोस्तों यहाँ कुछ बहुत थिन पन्नी जो है बोलते हैं पन्नी लगी हुई है जिससे क्या है बच्चों का यूरिन या स्टूल बाहर ना जाए डायपर से, प्रॉपर अंदर ही रहे डायपर के। दोस्तों इसकी क्वालिटी मैं आपको बताऊं, क्वालिटी के मामले में ये परफेक्ट है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट एक चीज है इसके अंदर कि ये दूसरे डायपर की अपेक्षा काफी हैवी है और काफी हैवी के साथ साथ काफी भारी भी बोल सकते हैं। वैसे अंदर इसके अंदर सॉफ्ट जैसी जो है इसके अंदर कॉटन एब्जॉर्बेशन दिया गया है जिससे क्या है बच्चे अच्छे से एब्जॉर्बेशन करते हैं और दोस्तों प्रॉपरली जो है ऑब्जॉर्बेशन रहता है। दोस्तों ये है इसकी मम्मी पोको पैंट्स का ये डायपर। अब हम आपको दिखाते हैं कि पैंपर पैंट्स का जो डायपर है वो किस क्वालिटी का है और पैंपर पैंट्स के अंदर कौन कौन सी ऐसी क्वालिटी है जिससे क्या है आपको उसके अंदर लाभ पता चलेगा। दोस्तों ये है पैंपर पैंट्स, आप देख पा रहे होंगे ये भी एली साइज का है। दोस्तों ये पैंपर पैंट्स के अंदर दोस्तों क्या है इसके अंदर जो बता रहे हैं इसकी क्वालिटी जो है ये भी पैंट टाइप का है, ये जो इसकी जो फॉर्मेशन पैंट टाइप की है और दोस्तों ये एल साइज में दिया हुआ है। दोस्तों इसके अंदर जो क्या है एयर चैनल्स के अंदर लगा हुआ है, बोल रहा है कि ये एयर चैनल्स के एयर प्रॉपर बनी रहती है और दोस्तों जो बता रहे हैं ये आरामदायक जो बता रहे हैं इसके अंदर देखो क्वालिटियां कुछ लिखी हुई हैं इस तरह से, तो आप देख सकते हैं ये बोल रहे हैं कि ये सूखा बहुत रहता है, ये आरामदायक फिट रहे हैं और इसके अंदर एक प्लस पॉइंट ये है कि ये एलोवेरे की एक लेयर इंटरनली इसके लगी हुई है जिससे क्या है बच्चों के कोई कॉम्प्लिकेशन या रेसेस होने के चांस कम रहते हैं।
दोस्तों मैं आपको एक इसका पैंट डायपर दिखा देता हूँ कि आपको इस तरह का डायपर कैसा लगेगा। तो दोस्तों ये है पैंपर्स पैंट्स का डायपर। ये जो पैंपर पैंट्स का डायपर है दोस्तों ये मम्मी पोको पैंट्स के मुकाबले काफी हल्का है और काफी थिन है। दोस्तों वही सेम फ्रंट के साथ में इसका लोगो लगा हुआ है, पैंपर्स लिखा हुआ है, फ्रंट लिखा हुआ है, पीछे के साइड में इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। और ये है इसकी लास्टिक, दोस्तों आप देख पा रहे हैं अच्छी लास्टिक है, बच्चों के कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। और दोस्तों मैं इसे उल्टा करके दिखा रहा हूँ आपको, ये है दोस्तों इसकी पीछे की साइड। दोस्तों एक चीज इसके अंदर ये है कि ये जो इसके अंदर सिलिकॉन वाली लगा हुआ है, इससे क्या है बच्चे बेटर फील करते हैं, अपने आप में एयर पासेज अच्छा रहता है इसके अंदर। और दोस्तों क्या रहता है इसके अंदर जो है, ये जो लेयर बता रहे हैं, ये जो लेयर एलोवेरा की लेयर बताई गई है ये इसके अंदर, इससे क्या एयर एलोवेरा से कंफर्ट रहता है। दोस्तों यही इसके अंदर क्वालिटी है कि एलोवेरा की लेयर लगी हुई है, कंफर्ट है और ड्यूरेबल है। वैसे मैं ये कहूंगा कि यदि आप डायपर बच्चों को पहनाते हैं तो 4 घंटे से ज्यादा 5 घंटे से ज्यादा ना पहनाएं, 4 घंटे में डायपर बदल दें। दोस्तों आप मैं अब दोनों डायपर्स को दिखाता हूं कि ये दोनों डायपर्स जो है मम्मी पोको पैंट का और पैंपर्स का डायपर कितना ठीक है, कितना ड्यूरेबल है, कितना थिन है। दोस्तों मम्मी पोको पैंट का डायपर थोड़ा हैवी है और पैंपर्स डायपर थोड़ा हल्का है, लाइट वेट है और ठीक है। दोस्तों आप अब समझ ही रहे होंगे कि आपके लिए कौन से बच्चे के लिए ठीक रहता है। दोस्तों मैं आपको और एक नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा कि आपको पैंपर्स कैसे पहनाने चाहिए, किस तरह से इसे आउट करते हैं, बच्चा यदि आउट करना है तो किस तरह से आउट करते हैं, किस तरह से पहनाते हैं। दोस्तों इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। दोस्तों लाइक जरूर करते रहो दोस्तों और वीडियो को शेयर भी करते रहना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।